गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? वी आर फाइन। ओके, यस। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 9। व्हिच चैप्टर? चैप्टर नंबर 9। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 9? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? होते क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? लुक इट दिस, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? लिसन मी, आई एम सेइंग दिस इज अ ब्लैक बॉटल। ये कैसी बॉटल है? दिस इज अ ब्लैक बॉटल। ओके, दिस इज अ ब्लैक पेन। दिस इज ऑल्सो अ ब्लैक पेन। सो दोनों चीजें किस कलर की है? ब्लैक। बोथ थिंग्स विच कलर? ब्लैक, राइट? इफ आई से अ ब्यूटिफुल गर्ल, कैसी गर्ल? ब्लैक पेन। ये एक पेन है, कैसा है पेन? ब्लैक पेन, राइट? एंड एक गर्ल है, हाउज अ गर्ल? ब्यूटिफुल। Beautiful girl, right? Come in. Next, it is a tree. It is a tree. And this is a green tree. How's the tree? How's the tree? Green tree, right? Next, I'm giving another example, like it is a flower. It is a flower. And I can say, मैं बोल सकती हूँ beautiful flower. Next, what is this? What is this? Sun. What is this? Sun. And it is a hot sun. कैसा सन है? हॉट। यस, यू कैन से येलो, राइट? बट आई एम सेइंग हॉट सन। ओके, सो देयर आर सम वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं, ब्लैक पेन। हाउ इज द पेन? ब्लैक। कैसा है पेन? ब्लैक। गर्ल, हाउ इज द गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। कैसी है गर्ल? ब्यूटीफुल। सो ब्लैक जो है पेन के बारे में कुछ बता रहा है ना। द वर्ड ब्लैक इज डिस्क्राइबिंग समथिंग द पेन, something about the pen. Beautiful, this word is also describing about the girl. Ye word bhi kisko describe kar raha hai? Girl ko. Hair green. This word is describing the tree. Beautiful, this word is about the flower. Hot, this word is about sun. Okay, so these all are telling about these nouns. Ye sare words kiske bare mein bata rahe hai? In नाउन्स के बारे में। दीज ऑल आर द नेम्स। पेन, नेम ऑफ अ थिंग। ये किसका नेम है? थिंग का। दिस इज द नेम ऑफ अ गर्ल, मीन्स ये गर्ल एक पर्सन का नेम है। ट्री, नेम ऑफ अ थिंग। फ्लावर, इट इज ऑल्सो, ये भी काउंट हो सकता है थिंग में। सन, दिस इज ऑल्सो काउंट इन द थिंग्स, राइट? सो ये सब नेम्स है, नेमिंग वर्ड्स है, राइट? और जो ये वर्ड्स है, These words, ये इन नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें बता रहे हैं। ये इन नेमिंग वर्ड्स को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो दीज आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। व्हाट आर दीज? ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन्स। जो वर्ड्स किसको नाउन डिस्क्राइब करते हैं? नाउन्स को, नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब द पर्संस, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स। ओके, सो जो वर्ड्स पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, इनके बारे में हमें और ज्यादा बताएं, वही वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन टेल अस अबाउट द शेप, साइज, कलर। ओके,
क्वालिटी, किसी भी नाउन की शेप, क्वालिटी, कलर, इन सबको बताते हैं. ओके, सो लुक एट द एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर एंड एग्जाम्पल्स. देखो, शी इज राधा एंड व्हाट इज रिटन, स्पीक, राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो हियर इज अ वर्ड, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. सो हाउ इज राधा, कैसी है राधा? एक ब्यूटिफुल गर्ल है. कैसी गर्ल है? ब्यूटिफुल. सो ब्यूटिफुल इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ब्यूटिफुल क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ओके, सो हाउ इज अ गर्ल, कैसी गर्ल है राधा? ब्यूटिफुल. कैसी गर्ल है? ब्यूटिफुल. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द शार्प नाइफ कट माई फिंगर. द शार्प नाइफ कट माई फिंगर. सो हाउ इज द नाइफ, हाउ इज द नाइफ, हाउ इज द नाइफ? शार्प, शार्प नाइफ, राइट? सो शार्प इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. शार्प इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड विच इज टेलिंग अबाउट द नाइफ. किसके बारे में बता रहा है? नाइफ के बारे में बता रहा है ना कि नाइफ कैसा है? शार्प है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. मदर हैज अ ग्रीन सारी. मदर हैज अ ग्रीन सारी. सो हाउ इज द सारी, कैसा कलर है? ग्रीन. व्हाट इज द कलर ऑफ द सारी? ग्रीन. सो दिस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो ग्रीन इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, सो द वर्ड्स ब्यूटिफुल, शार्प, ग्रीन, दीज ऑल आर द डिस्क्राइबिंग words which are telling about the nouns. Beautiful is telling about the girl. How is the girl? Kaisi girl hai? Beautiful. Sharp is telling about the knife. Kiske baare mein bata raha hai sharp word hame? Knife ke baare mein. Like how is the knife? Kaisa hai knife? Sharp hai. Green. This is also telling about the sari, right? What is the color of the sari, right? So green. This is also a describing word. Okay, so the words which tells about something more, which tells something more about the nouns, about the naming words. Nouns means naming words, names, names of persons, places, animals and things. ठीक है? So persons, places, animals, things. इनके बारे में हमें जो words कुछ और चीजें बताते हैं, और ज्यादा हमें बताते हैं, वही words क्या होते हैं? Describing words. So what is the definition of describing word? The describing words describe the persons, places, animals and things. Describing words persons, places, animals and things को describe करते हैं, right? Okay? And देखो अभी किस किस चीज के बारे में बताते हैं. There are some more examples. Look, कुछ और examples हैं. Ravi has one balloon. How many balloon? One balloon. So one is the describing word. One is the describing word, right? The grapes are sweet. The grapes are sweet. So sweet is the describing word. Sweet is the describing word. जो किसके बारे में बता रहे हैं? ग्रेप्स के बारे में. लाइक हाउ आर द ग्रेप्स, कैसे हैं ग्रेप्स? कैसे हैं ग्रेप्स? स्वीट, मीठे हैं. ओके, नेक्स्ट. नेहा हैज अ ब्राउन डॉग. हाउ इज द डॉग? ब्राउन. हाउ इज द डॉग? व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉग? ब्राउन. कैसा कलर है डॉग का? ब्राउन. सो दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये डॉग के बारे में बता रहा है ना? यस और नो? सो ब्राउन इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो हमें क्या पता चला? जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो कलर भी बताते हैं नेमिंग वर्ड्स का. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नंबर भी बताते हैं नेमिंग वर्ड्स का. बलून इज अ नेमिंग वर्ड.
कितने हैं? वन है. सो वन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स अबाउट द नंबर. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल्स द शेप, साइज, क्वालिटी. दिस इज द क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स, राइट? सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑल्सो टेल्स द क्वालिटी ऑफ द नेमिंग वर्ड्स, राइट? ओके, कलर हो गया, नंबर, क्वालिटीज हो गई, शेप भी बताते हैं. लाइक इफ आई से राउंड बॉल, सो व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉल? राउंड. व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉल? राउंड. सो राउंड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको डिस्क्राइब करते हैं? पर्सन्स को, प्लेसेस को, एनिमल्स को एंड थिंग्स. ओके, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट शेप, साइज एंड कलर. ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल्स, राइट? शेप, राउंड क्लॉक. हाउ इज द क्लॉक? कैसी क्लॉक? राउंड. ओके, स्मॉल बैग. हाउ इज द बैग? कैसा बैग? स्मॉल. साइज बताया ना, राउंड में शेप बता दिया, स्मॉल आपको साइज बता रहा है बैग का. स्मॉल इज टेलिंग अबाउट द साइज ऑफ द बैग, राइट? रेड बॉल, द वर्ड रेड इज टेलिंग अबाउट द कलर ऑफ द बॉल, राइट? सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द साइज, शेप, कलर. ओके, नंबर. These all are the describing words. Now come to the exercises. Exercises Brian, turn the page. Okay, look at some more examples. Look this line. Read describing words. Also tell us about some special qualities. Okay, कुछ qualities को भी बताते हैं, ठीक है? Like cold milk. Cold milk. So milk कैसा है? Cold. So cold is the cold is describing about the quality of the milk. किसको describe कर रहा है cold word? Quality को, milk की quality को. Hot tea. How's the tea? Hot. This is also telling about the quality, right? Hot word is also telling about the quality. Next, sometimes they tell us how many persons, animals, birds or places there are. Okay, so they are tells us about the number of the persons, places, animals and things. Unka number bhi batate hain, like one boy, one girl, two pens, three girls, two dogs, one park. So these all number are the describing words. ये number names भी क्या है? Describing words है. Understood? So look here, number A. Exercise number A. Yes, read. Take the correct describing words and fill in the blanks. Look at the picture for hint. Okay, so there are some sentences. We have to complete the sentences by filling the correct describing word from the options. Okay, so there are two options in each sentence. Okay, and you can look at the picture for the hint, right? Yes, read the first sentence. Ramesh, read beta. Ramesh is a dash boy. Good or sad? Look at the picture. How is he? कैसा लग रहा है वो? Sad तो नहीं है ना? He is not sad. So Ramesh is a good boy. Fill good in the blank and take in front of the option. Okay? Option number A. Do the exercise yourself. Check the answers on the board. Do the exercise yourself. अपने आप करो exercise. Okay? Number two. And check the answers on the board. Next, number two. Anandi has a dash frock. Yes, Kanak. Look at the question number two. Anandi has a dash frock. Look at the picture. Red or pink? What is the color of the Anandi's frock? Is it red? Pink. How many students are saying that it is red? Red.
And how many students are favor in pink? I think this is pink. मुझे तो pink दिख रही है ये. So pink. Take the word pink. Okay. So what is the color of our dress? Pink. What is the color of our dress? Pink. Pink frock. Fill the word pink here. Take the in front of the pink. Number 3. Darshil, stand up, beta. Read the number 3. Rohit is a dash man. Rohit is a dash man. Look at the picture. This is the picture for this sentence. So, how is he? कैसे लग रहा है ये? Strong or fat? कैसे? Strong. He is a strong man. So, fill the word strong here. What is the spelling of strong? Very good. S-T-R-O-N-G. Next, number 4. Yes, Tanvi. Look at the number 4. Read. The dash fell. F-E-L-L. Fell means gir jana. Fell down. The dash box fell down. Look at the box. How is the box? Kaisa lag raha hai? Strong or heavy? Heavy. How is the box? Strong or heavy? Heavy, beta. How is the box? Heavy. Kaisa box hai? H-E-A-V-Y. Speak the spelling. Heavy. Heavy. Take the word. Number 5. Next. Vinay, stand up. He. Read, beta. He has. Dash. Balloons. Look at the picture. How many balloons does he have? I'm asking to Vinay. Let him answer. How many balloons? Two. So fill the word two in the blank. What is the spelling of two? T-W-O. T-W-O. Next, Krishna, stand up. Number 6. The G-I-R-A-F-F-E. Giraffe is a dash animal. Look at the animal. Look at the giraffe. Short or tall? Tall. Look at the animal. Is it short or tall? Tall. Kaisa hai ye giraffe? It is tall. The giraffe is a tall animal. Take the word tall. Okay? Karnika, stand up, beta. Read the number sentence. Number 7, sorry. Mine. Look at the puppy. What is the color of the puppy? Brown or pink? Brown. What is the color of the puppy? Brown. Fill the word brown. What is the spelling of brown? B-R-O-W-N. Number 8, Ishika. Read number 8. This is a dash cow. This is a dash cow. Look at the cow. How's the cow? Thin or fat? Fat. It is fat. So fill the spelling of fat. Spelling? F-A-T. Fat. F-A-T? Fat. Okay, come to the next page. Have you all completed this exercise? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, I have done already. Yes. Come to the next page. Number B exercise. Look at the number B. This is a paragraph. Okay? एक छोटा सा पैराग्राफ है ओके okay? अब यहाँ पर आपको अलग अलग सेंटेंसेस नहीं दिए हैं ओके नाउ वी हैव टू रीड दिस पैराग्राफ लिसन हियर एवरीबडी वी विल रीड दिस पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विच आर इन दिस पैराग्राफ ओके सो रीड इट केयरफुली फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन ओके सो रीड विद मी रानी
is a small girl. So Rani is a small girl. How is the girl? How is the girl? Small. Kaisi girl hai? So small is a describing word. Yes or no? Underline small. Next, read. Look at the board and read. Read. She lives in a farm. She lives in a farm. So there is no describing word. Wo farm mein rehti hai. Next, she read. She has cow. Kaisi cow hai? Big. So big is the describing word. Underline the word big. Big. Okay. Next, a fat lamb. How is the lamb? Fat. So fat is a describing word. Underline the word fat. A brown dog. What is the color of the dog? Brown. Okay. So this is also a describing word. Okay. Now from the next line, you will tell the describing word. Okay. Next line say, ab aap batayenge describing word. A strong bull. Which is the describing word? Strong. Underline the strong. And a small pony in the farm. Pony. No, pony is the name. Small. Small is a describing word. Next, the cow eats green grass. Which is the describing word here? Green. Underline. Next, one by one, give the answer. Avani, stand up. The lamb eats fresh leaves. Which is the describing word in this sentence? Fresh leaves. There are two words. Fresh leaves. So, which is the describing word? Leaves kaisi hai? Fresh hai. So, fresh is the describing word. Understood? Sit down, beta. Next, Darshil. The dog drinks cold milk. Which is the describing word here? Cold milk. Describing word only. Cold milk. Cold milk. Describing word kaun sa hai? Cold ya milk? Cold. Cold is a describing word. Milk is a naming word. Milk to naming word hai na. Aur jo naming words ke baare mein bataye wo words kya hai? Describing words. Next, Karnika. The small pony eats dry hay. There are two describing words in this sentence. Small and dry hay. Pony is a name. Dry. Dry hay. Hay, what is the meaning of hay? Hay means dried grass. Sukhi hui jo ghaas hoti hai na, usko hay bolte hain. Jo animal khate hain. So, dry. Okay? This is the describing word. Sit down, beta. Next, Tanisha. The bull likes to eat grass and big chapatis. Which is the describing word in this sentence? The bull likes to eat grass and big chapatis. Which is the describing word here? Big chapatis. Big is the describing word. How is the chapati? Kaisi hai chapati? Big. How are the chapatis? Kaisi hai? Big. So big is the describing word, right? Next, Kanak, stand up. Rani loves the animals. Is there a describing word? Loves the animals. Yahan par describing words hai kya? No, there is no describing word. Yahan par koi bhi describing word nahi hai. Next, one day her mother makes warm chapatis. Is there any describing word? Warm chapatis. How are the chapatis? Warm. So warm is the describing word. Kanak, sit down. Next, Vinay. Read. Rani takes them for the cow and the bull. Okay, so there is no describing word. They eat them. There is also no describing word. Next, it is a warm and sunny day. Look here. It is a warm and sunny day. So, how is the day?
sunny and warm also. So these both words are describing words. दो qualities बताई ना day के बारे में, दो qualities बताई है, right? There are two qualities of the day. One is warm and second is sunny. So both are the describing words. हम एक से ज्यादा qualities भी बता सकते हैं ना, बता सकते हैं या नहीं बता सकते? Like cute and beautiful child, प्यारा और सुंदर बच्चा बोल सकते हैं ना, क्यूट एंड ब्यूटीफुल. तो दोनों क्या हो गए हमारे, डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट, फादर टेक्स द एनिमल्स टू द पॉन्ड इन द इवनिंग. देयर इज नो डिस्क्राइबिंग वर्ड. दे ऑल जंप इनटू द कोल्ड वाटर. हाउज द वाटर, हाउज द वाटर विनय, हाउज द वाटर, कैसा है पानी? स्पीक. Cold. So cold is the describing word. Rani watches them. She feels happy. So how does she feel? Happy. So this is also describing word. Complete this exercise fast. Have you completed this exercise? Okay, come to the number C. Number C par aayenge ab. Now look here. Here we find the describing words and the naming word also, which it describe. Okay? Describing word bhi hume find karna hai and the naming word. Naming word bhi hume find karna hai and we have to write the describing words and the naming words in the particular columns. Okay? There are two columns. This is naming words column. This is describing words column. There are two sentences. After 2 minutes discussion. Listen, these are the sentences, okay? And this is the sentence, the king is kind. The king is kind. So king is the naming word. And 1 minute.